नमस्कार देश विदेश को स्वागत करछि मुनि वेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस टी20 अधिनायक पद छाड़े विराट कोहली ट्वीट करी सूचना देले भारत क्रिकेट टीम रो अधिनायक पूर्वपरि दिनिकिया और टेस्ट मैच रो अधिनायक बजाय रखिबे प्रतिरक्षा मंत्रालय दुईटी कार्यालय उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी कहले देशर राजधानी को नुआ भारत आवश्यकता और आकांक्षा अनुसार विकसित करने दिगे महत्वपूर्ण बात सेपटे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आलोचकों उचित जवाब दे प्रधानमंत्री चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी तथ्य लीक घटन आउ जड़े गिरफ आहरी अच्छा कि स्थायी कर्मचारी समेत रांडांच तनाघना चारि अभुक्त पुराणा रेकर्ड दरांडुची तदंतकारी संस्था सेपटे बालेश्वर में पहुंचला एनआईए दुईज आगे मोदी सरकार को फोकस रे ड्रोन उद्योग आगामी तीन वर्ष नवेश 5000 कोटी 2024 सुधा 1.8 बिलियन डॉलर ड्रोन उद्योग केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री कहले मास्टर प्लान डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट अनुजाई एंडेमिक आड़ को जाउछि कोरोना तथापि सतर्क रहिबाकु विशेषज्ञों परामर्श राज्य में रही भल स्थिति हेले विपद टल ना कहले स्वास्थ्य निर्देशक सेपटे 24 घंटे कोरोन 580 पॉजिटिव गजपति आंध्र दादागिरी को नहीं बरसला बीजेपी कहला गजपति में प्रवेश ओडिशार अधिकारी आंध्र मंत्री धमक देवा कहीं चुप राज्य सरकार कौन पर सरकार एफआईआर देना प्रश्न कला दल हटिला चारधाम यात्रा उपरे लागी प्रतिबंधक मामलों शुणी कर निज पूर्व निष्पत्ति फ्राइल ने उत्तराखंड हाइकोर्ट कोविड नियम मानि यात्रा आरंभ करने को राज्य सरकार को कोर्ट को निर्देश युवती शारीरिक संपर्क रखे वीडियो वायरल घटना पचांगी थाना युवती अभियोग कर 15 दिन पर भी पुलिस ने कार्यानुषान विशाखापाटनार चिंगुड़ी कंपानी में युवक काम करुवा बेले घटी घटना आसवा संपूर्ण खबर को टी20 अधिनायक पद छाड़े विराट कोहली टीम इंडिया अधिनायक विराट टी20 अधिनायक पदरू हटिबा नहीं निष्पत्ति नहीं ट्विटर पोस्ट करी सूचना देखते आगामी टी20 विश्वकप से अधिनायक पद छाड़ा नहीं घोषणा करापरि दायित्व रोहित शर्मा को मिल पाए विराट टी20 टीम अधिनायक पद छाड़ा नहीं किछि दिन धरी चर्चा जोर धरी किंतु बीसीसीआई पक्षर यह खंडन कर वर्तमान निजे विराट कोहली ट्वीट करी यही सूचना देखते टी20 इंटरनेशनल रे विराट कोहली नेतृत्व में भारत 45 मैच खेली जो टीम 29 मैच अर्थात 39 मैच रे विजयी होती तेरे से 14 मैच रे पराजय सम्मुखीन होती दुईट मैच रे परिणाम आसी पारिना स्वाधीनतार 75तम वर्ष में आज देश में राजधानी को नुआ भारत आवश्यकता और आकांक्षा अनुसार विकसित करने दिगरे एक महत्वपूर्ण पाद बढ़ाऊ नुआ डिफेन्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स आम सेना कार्य को अधिक सुविधाजनक अधिक प्रभावी और सशक्त कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आधार में निर्माण होता प्रतिरक्षा मंत्रालय दुईट नुआ कार्यालय उद्घाटन अवसर में यह कहते ए अवसर में प्रधानमंत्री मोदी अधिकारी संबोधित कर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आलोचकों उचित जवाब देते मोदी कही सेंट्रल विस्ता उपर कि लोक जनमानस को भ्रमित करने को चेष्टा कर आज पूरा देश देखुची जे सेंट्रल विस्ता पचर आम कौन करुचु समय पूर्व प्रतिरक्षा कार्यालय काम पूरा उद्घाटनी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रतिरक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट सीडीएस विपिन रावत और सशस्त्र बलर मुख्य उपस्थित रही प्रतिरक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली कस्तूरबा गांधी मार्ग और आफ्रिका एवेन्यू रही चौबीस महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया
यानी 50% समय बचा लिया गया, वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन डिकना फलाना न जाने कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। इस निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिक साथी, सभी इंजीनियर, सभी कर्मचारी अधिकारी, ये सब के सब इस समय सीमा में निर्माण के लिए तो अभिनंदन के अधिकारी है, लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौफ था, जीवन और मृत्यु के बीच में सवालिया नशान थे, उस समय भी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, पूरा देश उनको बधाई देता है, पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। ये दिखाता है कि जब नीति और नियत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। संकट रे गुप्त तथ्य। चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी रु तथ्य लीक घटना रे आज आउ जन को गिरफ करिछि बालेश्वर पुलिस रा स्पेशल स्क्वाड। सपटे डीआरजीओ कार्यालय रे पहुंचि छानबीन आरंभ करिछि क्राइम ब्रांच। पूर्वरु गिरफ चारि अभियुक्तक सहित कहार रहिछि संपर्क, कोन सेमारंक अतीतर ट्रैक रिकॉर्ड से कथा पचारि बुझिछि। बड़ कथा ला आज गिरफदारी को मिसाई मोट 5 जन गुप्त तथ्य लीक घटना रे संपृक्त अछंती ना आउ किछि स्थायी कर्मचारी को संपृक्ति रहिछि सेने खोलता करूछि क्राइम ब्रांच। एपटे एनआईए रो टीम बालेश्वर रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। केवल ही 5 अभियुक्त ना आउरी अछंती। तथ्य लीक घटना रे डीआरडीओ रो किछि स्थायी कर्मचारी को रहिछि कि संपृक्ति, आउ क्यों अधिकारी अच्छा सामिल, आरंभ होला खोलताड़। पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट को केवल 5 जन ही चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी तथ्य देते ना यही तथ्य लिक करने पचर रही चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी आउ किसी अधिकारी एवं यार छानबीन करुच्छे क्राइम ब्रांच। एडिशनल एसपी प्रशांत विषय नेतृत्व में 4 जनिया क्राइम ब्रांच टीम एवं यार तदंत आरंभ कर। मिलिथिबा सूचना अनुसार केवल 5 जन नुहति डीआरडीओ आउ किसी स्थायी कर्मचारी तथ्य लिक घटन संपृक्ति रही खोज बाहर करने को जाल बिछाई क्राइम ब्रांच। एपटे एनआईए रो दुईजिया टीम बालेश्वर पहुंची तदंत आरंभ कर। आम तो आसीचु जिला पुलिस को सहित कथबार्ता विशेष जानला परे आम से अनुसार अग्रगति करूँ नहीं बर्तमान पर्यटन जानी आम कि आम आस पहुँचीचु तापर जहाँ हम आम तदंत जना पड़ अभियुक्त नंबर 1 हेमंत मिस्त्री, अभियुक्त नंबर 2 प्रसन्न बेहरा, अभियुक्त नंबर 3 तापस नायक, अभियुक्त नंबर 4 शेख मुसाफिर। यही 4 जन को आज बालेश्वर स्पेशल स्क्वाड सचिन कुमार अभियुक्त नंबर 5 को गिरफ्त कर। सचिन कुमार होती से ही व्यक्ति जी डीआरडीओ रो पूर्वतन निर्देशकों ड्राइवर भाव काम करोह अपराध में सचिन को गिरफ्त कर। आईटीआर कॉलोनी सचिन को उठाई आनी पुलिस सचिन रे भी लगी समान दफा। एपटे डीआरडीओ कार्यालय में पहुंची क्राइम ब्रांच पूर्व गिरफ 4 अभियुक्त पुराणा रेकर्ड खोज बाहर करें क्या क्या सह मिशुले केवड़े सब जाते यार टिकिनिकी तथ्य बाहर कर क्राइम ब्रांच। नहीं नहीं तो आम तदंत करूँ ना तदंत है जना पड़ो कार इनवल्वमेंट अच्छी न अच्छी बर्तमान आम तथा देशर सुरक्षा मामला
ଏଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରେସ୍ ବାଇଟ୍ ବି ଦେଇପାରିବୁ। ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚାରିଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବତୀ ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅର ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରରେ ଅଧିକ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାସହ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି PLI ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣରେ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରିବ। 2026 ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ $1.8 ବିଲିୟନ୍ ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସାଲ ମେ କରିବ 5,000 କରୋଡ଼ କା ନିବେଶ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଡ୍ରୋନ୍ କେ ଲିଏ ନିବେଶ କିଆ ଜାଏଗା ଜିସକେ ଆଧାର ପର କରିବ କରିବ क्लोज टू करीब करीब 900 करोड़ का टर्नओवर 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ला पाएंगे जिसके आधार पर 10,000 रोजगार के अवसर सृजित हो पाएंगे। तो एक नया क्रांति इस क्षेत्र में आएगा और इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट अप्रत्यक्ष इसकी इफेक्ट हमारे ड्रोन सर्विसेज के वैल्यू चेन पे भी रहेगी और ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन हमारा अनुमान है कि टोटल टर्नओवर करीब करीब 30,000 करोड़ तक पहुंचेगा और 3 लाख रोजगार के अवसर इसके आधार पर उत्पन्न हो पाएंगे। देश विदेश से समय का छोटा ब्रेक रहा। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ରାହୁଲ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ବିଜେପିକୁ ଫେକ୍ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜ ଅଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଏପରି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ତରଫରୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। हिंदू तो आप भी नहीं है, आपके आपके परदादा जो है फिरोज खान थे, आपकी माँ ईसाई हैं, आपके पूज्य जीजाजी ईसाई हैं, आपके अंदर हिंदुत्व का खून है, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। पूरी है राहुल का मोती भ्रम, पूरी दिले हिंदू विरोधी मंतव्य। हिंदू धर्म को नहीं आरएसएस और बीजेपी को कले टारगेट, आरएसएस और बीजेपी को कहिले नकली हिंदू। राहुल का मंतव्य को बीजेपी रा कड़ा समालोचना। सेप्टेम्बर 15 तारीख रे नया दिल्ली रे महिला कांग्रेस उत्सव उद्घाटन अवसर रे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्ण देइचंती हिंदू विरोधी बयान। आरएसएस और बीजेपी को फेक हिंदू बा नकली हिंदू बोली मंतव्य देवा सहित ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମାଜ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଓ ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝିଥିବା ରାହୁଲଙ୍କ ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେ ଲିଏ ଧର୍ମ କି ଦଲାଲି ଜୈସେ ଶବ୍ଦୋଁ କା ପ୍ରୟୋଗ ଓ କର ରହେ ହୈଁ। ଭଗବାନ ଶିବ କେ ହାଥ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी
भारतवर्ष के किसी भी ऋषि मुनि के नाम पर उनका गोत्र नहीं है। वो कौन से गोत्र के हैं, एक बार बड़ा जनेऊ पहनकर गोत्र का नाम लिए थे, उस गोत्र का भारतवर्ष के जो इतिहास है उसमें कहीं भी ऋषि मुनि का नाम नहीं। तो राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, वो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भाजपा को देने की जरूरत नहीं। आपको कैसे पता हो गया कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की शक्ति कम हो रही है? आज भी आपने कह दिया कि चौराहे पर लक्ष्मी और दुर्गा को पीटा जा रहा है, आपके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई जाएगी, और आपने जो हिंदुओं का अपमान किया है, पूरी आप सहित पूरी कांग्रेस को हिंदू और हिंदुस्तान से माफी मांगनी होगी हिंदू देवी देवताओं के अपमान के कारण। यही अवसर रे कांग्रेस और बीजेपी रा आदर्श परस्पर ठारु संपूर्ण भिन्न और कोनसी गोटिया आदर्श ही देश को शासन करी पारिबो बोली कहिसंती राहुल। तेबे निजर और देशवासी को धर्म को नकली कही पारुतिबा राहुल केउ आदर्श रा पाठ पढाउचंती ताहा को नै बीजेपी और RSS पक्षरु प्रश्न उठिछि। केवल सेतिकि नुए बीजेपी और RSS की प्रकार हिंदू बोली प्रश्न पचारुतिबा राहुल निजे हिंदू धर्म रा आदर्श रे केते अनुप्राणित एहा को नै मध्य तीव्र समालोचना प्रकाश पाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। भवानीपुर विधानसभा आसन 30 सेप्टेम्बर उपनिर्वाचन हेबो। यासह रेसोगुंज जंगीपुर विधानसभा आसन रे मध्य एही दिन निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। हेले भवानीपुर आसन उपरे रहिछि समस्तक नजर। नंदीग्राम रे सुबेंदु अधिकारी कठारु हारिबा परे उपनिर्वाचन रे भवानीपुर रु प्रार्थी होइछंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता को टक्कर देबा को प्रस्तुति आरंभ करिछि बीजेपी प्रार्थी प्रियंका। प्रियंका लोकों पाखे पहुंची निज सपक्ष में भोट मागुछन्ति। मुखबंध रे अहिंसा किंतु विधायकों हिंसा आचरण आउ सब परे भी हेउना ही एक्शन। सरकार को सुरक्षा रे चिलिका बीजेडी विधायक प्रशांत जगदेव बीजेपी नेता को माड़ मारिथिबा अभियोग रे तांको नारे FIR होछे। मिछ रेड करी काम सारी देछि पुलिस। प्रशांत को नारे एमिति 10 मामला रहिछे। विधायकों को गिरफ्तारी दाबी रे आंदोलन को लाइछि बीजेपी। तबे ये मिछ निलंबन सत सुरक्षा बोली चर्चा जोर धरिछि। विधायक ना गुंडा प्रशांत को नारे मोट 10 फौजदारी मामला मिछ निलंबन सत सुरक्षा। बीजेडी रा बाहुबली विधायक प्रशांत जगदेव विभिन्न समय रे तांको गुंडागर्दी रो ए दृश्य गोटिए 2016 मनमुंडार आउ एक दृश्य बालुगा NSC सामनार। चिलिका बीजेपी नेता निरंजन सेठी को माड़ मारिबा सह असभ्य भाषा रे गालीगुलज करुछंती प्रशांत। तांको नारे लागिछि दफा 341 294 323 506 34 SC/ST अट्रोसिस प्रिवेंशन एक्ट रे भी मामला रुजु हेला। दलरु निलंबन कले मुखिया हेले गिरफ हेलेनी बाहुबली विधायक प्रशांत जगदेव। कुआडे गले बीजेडी रा बाहुबली विधायक प्रशांत जगदेव खसी गले ना जानी सुनी खसाई दिया गला चिलिका विधायकों को। एमिति केउंठी लुचिछंती जे तांको पाउ नाही पुलिस। मुखबंधरे अहिंसार दाबी राजरास्तारे किंतु हिंसा। हिंसा घटाउथबा विधायकों को घंटो घोड़ाउछंती सरकार। फोटो उठा रेड पछर सत कोण विधायकों को तुरंत गिरफ दाबी रे रास्ता कोल्हाइछि बीजेपी। भाजपा ओडिशा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा पक्षरु नुआ बस स्टैंड रु एक शोभायात्रा रे बाहरी विक्षोभ और धारणा देवा सह SP को एक दाबी पत्र प्रदान करा जाइछि। जणे विधायक जणे राजनेता जेतेबेले व्यापक हिंसाकांड व्यापक अनियमितता व्यापक जनविरोधी काम लिप्त रुहती विरुद्ध जो संख्याधिक केस अच्छी पखापाखि 50 सेक्शन तक विरुद्ध चार्ज फ्रेम हो जड़े लोक केवल गिरफ नुहे NSA बल में गिरफ कर आवश्यकता अच्छी स्थान विधानसभा नुह स्थान जेल भितर। विभिन्न समय रे प्रशांत को नारे आसी सांघातिक अभियोग। अभियोग नंबर 1 2016 रे बौद्ध मनमुंडा रे बीजेपी कर्मी को उपरे आक्रमण करिथिले प्रशांत। रास्ता उपरे गोड़ाई गोड़ाई पिटिथिले प्रशांत और तांको सहयोगी।
अभियोग नंबर टू सही 2016 रे जने महिला तहसीलदार कोपर को लंठन पकाई विवादीय होइथिले प्रशांत एने ओए संघ जोरदार प्रतिवाद करथिला कार्यानुष्ठान भी दाबी करथिला। अभियोग नंबर थ्री गत वर्ष चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी जने जूनियर इंजीनियर को असभ्य भाषा गालीगुलज अभियोग आसीथिला प्रशांत नाँ ये खाली तीन घटना नुहे नजर पकांतु बीजेडी विधायक प्रशांत जगदेव का क्राइम रेकर्ड उपरे ये हुछे तांकर सत्य पाठ प्रशांत नाँ विभिन्न थाना रे 10 फौजदारी मामला ए सबू दफा भी लगी विडंबना गोटे को छाड़देले आणसी मामलें प्रशांत नाँ होना चार्ज फ्रेम गोटे कथा इटि प्रशांत जगदेव क्षेत्र में टिके सामान्य भिन्न करिले जे प्रथमे निलंबन करेदेले किंतु प्रताप जेना क्षेत्र रे कथा कहतु अरुण साहू क्षेत्र रे कहतु ए सब कथा करिनांथि केवल बोधय राज्य सरकार निलंबन करी चुप रहिबा ता माने नुह जे एहा एक कार्यानुष्ठान बोली कहबा ए राज्य सरकार अमल रे गोटे कथा बारंबार आपण देखुथिबे से अहिंसार नारा दियंती किंतु हिंसा को पाथेय करंती सरकार को सुरक्षा रे प्रशांत जगदेव शासक दल विधायक बोली सबु माफ कहीं पुलिस नेउना एक्शन ब्यूरो इनपुट सह खोर्धारु संग्राम होतांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सरी देश विदेश को नमस्कार।